हाँ सिर्फ यही है, ये तो और सही है, यही तो चाहिए था, है कि नहीं? बिल्कुल एकदम शांत हो जाएं, जीवन का आनंद न लें, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हाँ, ये YouTube ये ऐप। चलिए गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन मुझसे जुड़ पाए हैं, ठीक है? चलिए तो आज अभी तक मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया उसी का मैं क्या, बस सही है, छोड़ दीजिए अब एकदम, अब हम लोग उसी का रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो क्लास है हम लोगों की यूट्यूब पे लाइव भी जा रही है, प्लस आप लोग साथ में तो हैं ही, समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए हैप्पी दशहरा, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, एक बार मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया, जितने बच्चे मुझसे ऐप से जुड़े हुए हैं, जितने ऑफलाइन हैं और इसके अलावा जितने यूट्यूब से हैं, आप सभी बच्चों को एक बार गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज हम अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा जबरदस्त तरीके से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या करेंगे? रिवीजन ना, क्या करेंगे ताकि एकदम मजा आ जाए जबरदस्त तरीके से, क्लियर? आज आप लोगों को 1 घंटे के अंदर, मैराथन का मतलब होगा कम समय के अंदर आधा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये नहीं कि 5 घंटा पढ़ाने वाला काम नहीं, समझ रहे हो? वही पढ़ाऊंगा जो 100% आएगा एग्जाम में, इधर उधर का कोई भी प्रश्न नहीं। चलो सभी बच्चे बताइए, कंपनी कब बनी थी, भारत कब आई, किसका शासन था, जहांगीर के दरबार में कौन आया, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे सभी बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आवाज साफ साफ निकल पा रही है? जो लोग पढ़े होंगे उनको तो याद होगा, और अगर मेरे ऑफलाइन बच्चे इतना जबरदस्त हैं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है? हाँ संजीव, साक्षी, अभिषेक, संजय, राखी, दीपक, शुभम। चलिए बस अब हम स्टार्ट करेंगे, तो जितने बच्चे हैं सभी लोगों को स्टार्ट। कंपनी कब बनी थी, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1813 के अधिनियम का पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल को कब वायसराय कहा? 1858 के समय, जो आपका 1858 के समय ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या था? विक्टोरिया। चलिए वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आप लोग याद करके रखे हैं, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को सारा समराइज करता हूं तुरंत, ठीक है? चलो तो सबसे पहले हम लोग जो किताब देख रहे हैं उसका नाम क्या है, बोलो यार। चलो सभी बच्चे ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, क्या देखने वाले हैं?
ना, चलो ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। जितने बच्चे मुझे देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि संविधान क्या है। संविधान एक किताब है जिसके माध्यम से भारत देश का शासन चलाया जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी, इसको कहा जाता है राज्य व्यवस्था, ये है संविधान। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। संविधान एक किताब है जिसके माध्यम से भारत का शासन चलाया जाता है ना। संविधान एक किताब है, संविधान क्या है? संविधान एक किताब है जिसके माध्यम से भारत देश का शासन चलाया जाता है। शासन के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कौन कौन? शासन के तीन अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक कंपनी बनी थी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ ही, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ ही भारत देश में संविधान की शुरुआत हुई। संविधान की सीढ़ियां, किसकी सीढ़ियां? संविधान की सीढ़ियां, यही जो पिछले अंग्रेजों के अधिनियम आए हुए थे वही अधिनियम संविधान की सीढ़ियां बने ना। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश का, कहां भैया? 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजादी मिली, क्योंकि सदियों की गुलामी से भारत देश आजाद हुआ ना। सदियों के गुलामी से हमारे भारत देश को आजादी मिली, ठीक है? इतनी बात समझ पाए? चलो देखो अब स्टार्ट करते हैं हम। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी, ठीक है? 31 दिसंबर सन कौन सी ईस्वी, ठीक? एक मिनट, मैं अपने मोबाइल में इस क्लास को खोल लूं, जरा पता चले मुझे। तो कंपनी कब बनी थी? 31 दिसंबर 1600। भारत कब आई? बोल नहीं रहे हो यार? देखो कंपनी का यहाँ आने का मकसद क्या था, आप ही लोगों की तरह नवयुवक थे, आप ही लोगों की तरह क्या थे, और ये लोग भारत के साथ क्या करना चाहते थे? हाँ, व्यापार करना चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे? ये यहाँ पे व्यापार करना चाहते थे। चलिए देखो, एनर्जी कम नहीं लग रही भाई, एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। बस ये है कि अभी सब सिस्टम सेट हुआ है, अब चलेगा, ठीक है? बस एक बार जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं ऐप से चाहे यूट्यूब के माध्यम से, एक बार बता दीजिए कि आवाज क्लियर है। आप लोगों को तो क्लियर है ही यार, आप लोग तो कमाल के हो। यस सर। चलो अब जाके संतुष्टि मिली, क्योंकि अब पूरी तरीके सब कुछ हो चुका है, क्लियर आवाज आवाज सब। अब हम लोग एकदम आराम से रिलैक्स मोड में चलते हैं और सभी बच्चे एकदम कंसंट्रेट हो जाए। पीछे वाले हीरो इधर आई कांटेक्ट बनाओ ना, जब निगाहें से निगाहें सामने होंगे तभी खोपड़ी के अंदर जाएगा, नहीं शुतुरमुर्ग की तरह ऐसे जमीन के अंदर न जाओ। 31 दिसंबर सन 1600 को एक कंपनी बनेगी जिस कंपनी का नाम होगा ईस्ट इंडिया। 1608 में कंपनी आएगी भारत। जब यह कंपनी भारत आएगी, जहां गिर का शासन होगा, किसका शासन होगा? जब यह कंपनी भारत आएगी 1608 में, जब यह कंपनी भारत आएगी जहांगीर का शासन होगा, जहांगीर के दरबार में आता है कैप्टन हॉकिंस। कौन आता है? 400 गांवों का मनसब लेता है ना, 400 गांवों का मनसब यानी लगान वसूलने की व्यवस्था लेता है। जैसे ही ये 400 गांवों का देखो समझा नहीं रहे, सिर्फ मैराथन, जितने बच्चे पढ़े हैं आज तक उनके दिमाग के अंदर सारी चीजें चली जाएंगी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ना, समझाएंगे तो वहीं तक रह जाएंगे जहां रोज पढ़ाते हैं। मैराथन मतलब समझते हो कि नहीं? समझ में आता है? हाँ, तो 31 दिसंबर सन 1600 को कंपनी बनी, 1608 में आई भारत, जहांगीर का शासन था, जहांगीर के दरबार में आया कैप्टन हॉकिंस, 400 गांवों का मनसब लेता है यानी लगान वसूलने की व्यवस्था। देखते देखते कलकत्ता, बंबई और मद्रास,
देखते देखते इसने कलकत्ता, बंबई और मद्रास पे अपना अधिकार कर लिया ना। 1726 तक कंपनी ने कलकत्ता, बंबई, मद्रास पे अपना व्यापारिक एकाधिकार कर लिया। और देखते ही देखते ना, अब जब कलकत्ता, बंबई, मद्रास पे कंपनी का अधिकार हो गया, तब कंपनी की ललचाई भरी निगाहों ने देखा भारत की तरफ। किसकी तरफ देखा, बोल नहीं रहे हो? अब कंपनी की ललचाई भरी निगाहों ने देखा भारत बंगाल की तरफ। किसकी तरफ? बंगाल। और जैसे ही बंगाल की तरफ देखा तो एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जाएगी 23 जून 1757, जिसे कहा जाता है प्लासी। यहाँ कौन था? सिराजुद्दौला। यहाँ कौन था? यहाँ था सिराजुद्दौला। यहाँ होगा मीर, यहाँ पे था मीर जाफर, और यहाँ रॉबर्ट क्लायू ना, रॉबर्ट क्लायू। एकदम आराम से हम लोग देखने वाले हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, 23 जून 1757 को ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। याद है सभी बच्चों को? 23 जून 1757 को ऐतिहासिक लड़ाई प्लासी। इस प्लासी में सिराजुद्दौला की हार होगी। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लायू दोनों आपस में मिल गए थे। सिराजुद्दौला की मौत के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला की मौत के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अच्छे से, मीर जाफर क्या बनाया गया? मारा कौन गया? मारा कौन? हाँ, मीरन। किसने मारा? मीरन ने मारा। ए बात न करो, आत्मा परमात्मा मिलन करा दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो शांत एकदम, आपस में बात नहीं, जितना बोलेंगे बस उतना बोलोगे, समझ लो। माहौल ना खराब करो, माहौल बनाने में बहुत मेहनत लगता है। नहीं मेहनत लगता है? आए तो एक को अच्छा रहता था, बताओ। तब ये है प्लासी। क्या है? 23 जून 1757 जीत जाएगा कौन? रॉबर्ट क्लायू। ये क्या बन जाएगा? नवाब। अगला युद्ध तुरंत हम लोग देखेंगे 1764 में होगा बक्सर। यहाँ कौन होगा? सुजाउद्दौला। यहाँ था सुजाउद्दौला। यहाँ कौन था? मीर। वेरी गुड। और सबका कापी किताब एकदम बंद होना चाहिए, समझ लो। किसी का कापी या किताब या मोबाइल कुछ भी खुला न हो। सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, हेक्टर मुनेरो। एकदम आराम से देखना, हम लोग देख रहे हैं 1764 ना। क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं 1764। इसे कहा जाता है बक्सर। ये है सुजाउद्दौला अवध का नवाब। कहाँ का नवाब है? और ये है हेक्टर मुनेरो, अंग्रेजों का सेना, किसका सेनापति? और ये है मीर कासिम। क्या है? दामाद कौन है? हाँ, आधा बेवकूफ बैठे हैं अभी तक। दामाद कौन है? मीर। आज के बाद भूलना नहीं, ये है दामाद। आप भी किसी के दामाद बनोगे। इस दामाद का नाम क्या है? हाँ, अब भूलोगे नहीं ना? चलो तुरंत आ जाओ अगला। अब इसके बाद मैंने बताया था 1772 कौन आया, 1772 में कौन आया? सभी लोग काफी किताब एकदम बंद कर दो, भलाई चाह रहे हो, चिराग तले अंधेरा, यहीं बैठे लिख रही हो क्या जो पढ़ा रहा? हाँ, पहले का जो पढ़ा है वहां से देख के। हाँ तब देखो, सभी जितने लड़के बैठो इधर देखो, अगर बगल वाला कापी खुले तो उसको ऐसे पेन भोंक दो। हमारी तरफ से एकदम फ्री है, कोई टेंशन नहीं है ना, जो होगा देख लिया जाएगा। ऐसे पेन लेके चलो सभी। किसी का कापी किताब खुल गया हमसे बुरा नहीं देखे होगे कभी, ठीक है? हम
बात कर रहे हैं इधर आई कॉन्टेक्ट 1772, इसको कहा जाता है 1772। कौन आया था? लॉर्ड नॉर्थ। कौन आया? लॉर्ड नॉर्थ ना, वेरी गुड लॉर्ड नॉर्थ। इसके बाद सभी बच्चे शांत, 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट। हाँ चलो, पहला पहला पॉइंट 1773 का ना, चलो कोई टेंशन नहीं, इतना समझदार हो यार, एकदम इतना तो समझदार हो ना। चलो अब हो गया सही, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला पॉइंट। हाँ दूसरा, एकदम अपराधी की तरह मुंह बना के बैठे हो ना, कितना बड़ा अपराध किया हो, सोच लो पढ़ा रहे हैं याद नहीं किया। कितने लोगों को याद है दूसरा पॉइंट, हाथ उठाइए। हाँ वेरी गुड, और जिनको नहीं याद है याद करिए, आप लोग याद करना जरूरी है। शांत आवाज नहीं, संसदीय प्रणाली की स्थापना। आप ही लोग नहीं पढ़ रहे ना, ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो चिल्लाइए नहीं, बस जो पूछ रहा हूं वो बताइए। पहला क्या है, दूसरा कलकत्ता बंबई और तीनों प्रेसिडेंसियों को आपस में मिलाया गया वारेन हेस्टिंग्स। कौन भैया, क्या बना वारेन हेस्टिंग? वेरी गुड, वारेन हेस्टिंग क्या बना? गवर्नर ना। चलो आप इसके बाद भैया, जैसे ही हम लोग आएंगे तीसरे पे, तो हम लोग जैसे आएंगे तीसरे पे, मैंने बताया था आप सभी बच्चों को 1700 जब हम बोलेंगे तो सुनोगे, समझ रहे हो कि नहीं? इतना बात समझ में आ गया? अब हम बता रहे हैं आप लोगों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में बना सुप्रीम, जिसके मुख्य न्यायाधीश इलीजाह इम्पे, इसके तीन अन्य न्यायाधीश हाइड लिमेस्टर चैम्बर सर। बहुत सही यार, वेरी गुड, चैम्बर सर, क्लियर। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बाद हमने बताया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ना भैया। चलिए तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ये कहता है बंगाल बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार, वेरी गुड, बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों का क्षेत्राधिकार किसको सौंपा गया? किसको सौंपा गया? कंपनी को ना। सभी बच्चे एकदम खोपड़ी खोल के अच्छे से सुन ले, ठीक है, दिमाग का ढक्कन खोल लो। कलकत्ता बंबई और मद्रास, क्लियर, ये सब तो उधर हो चुका था। अब यहाँ बंगाल बिहार और उड़ीसा, कौन कौन? एनर्जेटिक रहो, सोने का प्रयत्न न करो, बस समझ में आया, एकदम आंखें खुली हो, जैसे इसे फ्यूज बल्ब टाइप का नहीं कि बैटरी एकदम डाउन है, ये सब देख रहे हो यार, मूड खराब होगा कि नहीं आप बताइए, दिमाग नहीं खराब होगा? आप किसी को पढ़ा रहे हैं वो डिस्टर्ब हो, मतलब उसको नींद आ रहा हो, है कि नहीं? अगर बगल में कोई सोते हुए मिले तो ऐसे उसको पेन मार सकते हो, समझ में आया? हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब नॉर्मल बात है। इसकी आजाद ये कानून भी देता है कि अगर कोई पढ़ते समय आप जैसे बस चलाते हो तो क्या होता है, अपने अगल बगल सोने नहीं दिया जाता, नहीं बस वाला ड्राइवर क्या करेगा, किसी से लड़ा देगा, समझ रहे हो ना? तो इसी नींब वाले इस साइड से ना मारो ना, दूसरे साइड से मारो, समझ रहे हो? क्या जरूरी है कि इसे आप लोग डायरेक्ट हमला चलो यार आगे आओ।
1781 का, ठीक है। चलो अब इसके बाद भैया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट बंगाल बिहार और उड़ीसा कौन कौन। अब 1781 के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे 1700 वेरी गुड पिट्स इंडिया बहुत सही यार क्या बात है। इसके द्वारा बनाया गया बोर्ड ऑफ और क्या बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया। ये जो यहाँ पे भारत देश के अंदर कंपनी आई थी ना इस कंपनी को ये 72 देशों पे शासन करती थी तो वहां पे बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। उसमें कौन शामिल होते थे जो प्रीवी काउंसिल थी ना वहां का मुकदमा देखने के लिए जो बनाया गया था उसी से संबंधित होते थे। बात समझ में आया मतलब ये एक तरीके से वहां के मंत्री होते थे। क्या होते थे मंत्री। यह राजनैतिक मामलों से संबंधित थे। कैसे मामलों से सर यह राजनैतिक मामलों से संबंधित थे और ये वेरी गुड व्यापारिक मामलों से संबंधित थे। ये राजनैतिक मामलों संबंधित थे ये थे व्यापारिक। अब कंपनी के ऊपर दोहरा शासन आ गया ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक तरफ तो कंपनी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का शासन चल रहा है और दूसरी तरफ ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की। किसने शिकंजा कसने की कोशिश की ना। इस तरीके से आप देख रहे हो कि कंपनी के अंदर दोहरे शासन की शुरुआत हो रही है। समझ गए सभी बच्चे। एक तरफ कौन कर रहा है हाँ कंपनी ना कंपनी और दूसरा इस कंपनी के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कंपनी को शासित करने का प्रयत्न कर रहा है। कहीं ना कहीं दोहरा शासन का मिला जुला स्वरूप देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देखोगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिस उद्देश्य को लेके बनाया गया था न भैया। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था जिस उद्देश्य को लेके लेकिन 7000 से ज्यादा कितने से भैया ना जो 7000 किलोमीटर है 7000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी होने के कारण यह उस उद्देश्य को नहीं हो पाया। ठीक है इतनी बात समझ पाए कि नहीं यार। जिस उद्देश्य को लेके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया वह पूरा नहीं हो सका क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका। क्लियर चले आगे वेरी गुड। अब हम लोग आएंगे कहाँ आएंगे भैया 1793 का चार्टर अधिनियम ना। चलिए तो 1793 का चार्टर अधिनियम यह क्या था। चार्टर अधिनियम यह था सबसे पहले तो चार्टर का मतलब होता है राजलेख। क्या होता है वहां के क्राउन के द्वारा जो लिखा जाता था यानी वहां के महारानी के द्वारा लिखा जाता था उसी को कहा जाता था राजलेख। तो यह भारत में आया हुआ प्रथम चार्टर अधिनियम था न भैया। यह भारत में क्या था हाथ की लकीरें ना देखो नहीं जिन पढ़ा रहे हैं पढ़ो किस्मत की तकदीरें बदल जाएंगी। चलो इधर यह है 1793 का चार्टर अधिनियम। पहला क्या है इसे राजलेख के नाम से जाना जाता है। दूसरा कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए वेरी गुड। और तीसरा जो है कंपनी के जो अधिकारी हैं ना कंपनी के जो अधिकारी हैं उनका वेतन कहां से दिया जाएगा वेरी गुड भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हम आएंगे 1800 कौन सा अधिनियम देखेंगे बोलो कौन सा 1813 का अधिनियम। ठीक भैया कुछ बच्चे ये सब क्लास नहीं लिए होंगे ना हाथ उठाइए। शुरू से कितने लोग नहीं पढ़े हैं ठीक है शुरू से इतने लोग नहीं पढ़े हैं ना आप लोग भी इसको देखते चलिए घर पे जाइएगा एक बार और देखिएगा बस क्लियर। हम लोग देख रहे हैं 1813 का अधिनियम ना।
बोलो। चलिए अब 1813 के अधिनियम में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तुरंत मजा आ जाएगा। यह 1813 का अधिनियम पहला पॉइंट है कि कंपनी का, वेरी गुड, कंपनी का एकाधिकार समाप्त। किसका एकाधिकार समाप्त किया ना, कंपनी का एकाधिकार समाप्त किस अधिनियम के द्वारा? हाँ, 1800। अभी तक हमारे भारत देश में सिर्फ एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक हमारे भारत में सिर्फ एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब अन्य कंपनियां भी भारत, बात समझ गए भैया? अभी तक सिर्फ एक कंपनी थी, वही कह रहा है कंपनी का एकाधिकार समाप्त 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए ना? 20 वर्षों के लिए इसका फिर आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। चाय और चीन देश के साथ कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार बना रहा। अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, लॉर्ड विलियम विल्बर फोर्स। लॉर्ड विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां भारत आए। बात समझ में आया? बोलो यार ना। पहला है कि कंपनी का एकाधिकार समा, कंपनी का एकाधिकार समझ गए, क्लियर। दूसरा कह रहा है कंपनी का शासन अगले, और तीसरा कहता है चाय और चीन देश के साथ। किसके साथ? चलिए, अब यहां पे हमने देखा लॉर्ड विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में बोलो? ठीक है, अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे देखोगे लॉर्ड विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां भारत आई। और अपने ना, अब यहाँ पे हम लोग देखिए एकदम आराम से समझिएगा, लॉर्ड विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां आई और अपने धर्म का क्या करेंगे? प्रचार और प्रसार, वेरी गुड। अब इसके बाद हम देखेंगे 1833 का अधिनियम कहता है कि अब कंपनी ने अपना व्यापारिक चोला उतार फेंका और अब कंपनी असली शासक के तौर पे, और संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व्यापार बंद शासन प्रारंभ ना, प्रारंभ प्रारंभ पहला व्यापार बंद शासन प्रारंभ हो गया। पहला व्यापार बंद शासन प्रारंभ, दूसरा संपूर्ण भारत का ना भैया, संपूर्ण भारत का क्या किया गया? संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण किया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल बनाया ना, जनरल बनाया गया। दास प्रथा को रोकने के लिए नियम कानून बना, दास प्रथा को रोकने के लिए, और दास प्रथा पूर्ण रूप से 1843 में, और इस समय कौन था? एलन बरो। ये क्या था? गवर्नर ना, उस समय गवर्नर जनरल कौन था बोलो यार? एलन बरो। इतनी बात समझ गए भैया? एलन बरो। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमने बताया आप लोगों को व्यापार बंद शासन प्रारंभ, दास प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। ये भारत का प्रथम गवर्नर यहीं पे, ठीक है, अगर यहीं पे आप देखोगे तो बनेगा विधि आयोग। क्या बनेगा? यहीं पे बनेगा विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? हाँ, और यहीं पे योग्यता की बात की गई ना, यहीं पे किसकी बात की गई थी? योग्यता, जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में ना, सरकारी नौकरी में जो है योग्यता
ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा नहीं, योग्यता की बात की गई। किसकी बात की गई थी? हाँ, तो हमने देखा कि विधि आयोग बना और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था विधि आयोग। कौन बना था? विधि आयोग बना था ना। अब इसके बाद आप देखोगे इसी विधि आयोग ने लॉर्ड मैकाले ने, किसने भैया? लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? इसी लॉर्ड मैकाले ने बनाया आईपीसी। क्या बनाया? जिसे आप क्या कहते हो? भारतीय दंड, जिसे आप भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हो, या जिसे आप कहते हो इंडियन पेनल कोड के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? इंडियन पेनल कोड, जो 1860 में बनी है और 1862 में लागू हुआ। इसमें 511 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं बोलो? ठीक है, कितना हो गया इसमें? 500। यहीं पे चोरी, हत्या, लूट, डकैती, हर गलत चीज के बारे में बताया गया है। कहां? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इतनी बात समझ में आया? बोलो यार। हाँ, अब ये है, इतनी बात समझे कि नहीं? 1860 कौन सा भैया? 1860 में बनी है, 1862 में लागू हुई है, 511 धाराएं हैं, चोरी, हत्या, लूट, डकैती सब इसी में बताया गया है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? समझ में आया भैया सभी लोगों को? चले आगे। चलो, अब इसके बाद इसी में आप सुनते होगे, जैसे कभी कभी कहता है मजमुआ ताजे रात हिंद की दफा 302 के अंतर्गत मुजरिम को बामुशक्कत मौत की सजा मुकर्रर की जाती है, नींब का पेन तोड़ देता है ना, क्यों? इस वजह से ताकि उस जो कलम है उस कलम को खून की आदत पड़ चुकी है, मतलब उससे एक बार हत्या का दिया जा चुका है, उसने उसका जान ले लिया, इसलिए उसे नष्ट कर दिया जाता है। उस कलम से किसी की तकदीर नहीं लिखी जाती, जिस कलम से किसी की तकदीर एक बार लिख दी गई और उसमें खत्म हो गया ना। वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड है आप। चलिए, अब इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हम कहाँ पे आ जाएंगे? 1800। वेरी गुड, 1800। देखो भैया, पहला पॉइंट यहाँ कहता है कार्यपालिकी और विधायी शक्तियों का पृथक्करण ना, कार्यपालिकी और विधायी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। कार्यपालिकी और विधायी शक्तियों का क्या किया गया? पृथक। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? बोलो यार। कार्यपालिकी और, पहले देखो एक ही आदमी नियम कानून बनाता था और वही नियम कानून ना, कोई अगर वही नियम कानून बनाता था वही क्या करता था? तो कभी कोई कहेगा कि मैंने खराब नियम कानून बनाया? कभी कोई नहीं कहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण किया गया। विधायी यानी यहाँ पे पहली बार विधान, पृथक विधान परिषद बना। क्या बना? विधान परिषद बना। तो ये विधान परिषद क्या करेगा? नियम कानून बनाएगा। क्या करेगा भैया? बोलो। और लागू कौन कराएगा? बोलो यार। पक्का ना? कार्यपालिका लागू कराएगा। और पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? बोलो। चले आगे। चलो बेटा, तुरंत आगे आते हैं हम लोग, और यहीं पे हम देखेंगे कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पे पूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत ना। अगर पूछेगा कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पे पूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? बोलो भैया, किस अधिनियम के द्वारा? क्लियर ना? कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पे जो पूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ, कब हुआ भैया? वेरी गुड, 1853। सभी बच्चे याद रखेंगे, तुरंत हम आगे आएंगे 1858 ना। कहाँ पे आएंगे? 1858
1857। देखो यार 1857 में, ठीक है, 1857 में एक जबरदस्त क्रांति हुई थी जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा ना, क्या कहा जाता है प्रथम बोलो। अगर हम लोग बात करें तो ये बता रहा है आपका 1857 की क्रांति। आप सभी लोगों को पता है कि उस समय अंग्रेज एक नई बंदूक लेके आए थे जिसे हम कहते थे इनफील्ड राइफल, क्या कहा जाता था, अंग्रेजों के द्वारा लेके आया गया था नई बंदूक इनफील्ड राइफल कहा जाता था। उसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती थी, किसके, इसी बात को लेके मंगल पांडे ने मना कर दिया था, ठीक है, जिसके बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई और चारों तरफ क्रांति फैल गई थी। मैंने आप लोगों को डीप पढ़ाया था पूरा ना, मैंने आप लोगों को इसे डिटेल में पढ़ाया था तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वही कह रहा है कि 1857 की क्रांति, इसमें देखते देखते संपूर्ण भारत देश ऐसे क्या हुआ, विद्रोह। दिल्ली से जो है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय ना, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, इलाहाबाद से लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना शाह, बिहार से कुंवर अजय सिंह, कौन पीछे वाले, यस सर, नहीं कुंवर अजय सिंह। बात समझ गए कि नहीं, चलो। तो एक जबरदस्त आंदोलन के बाद उस समय 1857 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था, ठीक है, क्या नाम था बोल नहीं रहे यार, किस नाम से जाना जाता था 1857 में वहां पे ब्रिटेन ना, 1857 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न, और उनके कहने पे अगला अधिनियम आया जिसे हम लोग कहते हैं 1858 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम, देखो अभी तक हमारे भारत देश में किसका शासन था ना, लेकिन 1858 के बाद कंपनी शासन का अंत, किसका अंत बोलो, कंपनी शासन का अंत हुआ ना, कंपनी शासन का क्या हुआ बोलो भैया, कंपनी शासन का अंत हुआ, लेकिन जीता अब कंपनी शासन का अंत और ब्रिटेन की महारानी का शासन प्रारंभ ना, किसका शासन प्रारंभ हुआ, यानी अब भारत में कौन शासन करेगा, ब्रिटेन की महारानी, कौन शासन करेगा बोल नहीं रहे यार ना, अब ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा। हम लोग कौन सा अधिनियम देख रहे हैं, 1858 कंपनी शासन का अंत होता है। देखो भैया 1608 से लेके 1858 तक भारत में शासन था कंपनी, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, 1858 से लेके 1947 तक ना, भारत देश की आजादी तक ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा, किसका शासन होगा, हाँ वही कह रहा है कंपनी शासन का अंत ब्रिटेन की महारानी यानी अब क्राउन का शासन होगा, किसका शासन होगा यार बोल नहीं रहे हो। अब यहीं पे जो है, यहाँ पे अगला होगा अब गवर्नर जनरल को, किसको भैया, अब गवर्नर जनरल को वायस राय कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा वायस, और पहला वायस राय कौन बना, पहला वायस राय बना लॉर्ड कैनिंग बना ना, याद है सभी बच्चों को बोले यार ना, यहीं पे भारत राज्य सचिव के पद का ग्रहण किया गया, यहीं पे एक नया पद बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा भारत राज्य न भैया, और ये भारत राज्य सचिव क्या करेगा, यह भारत राज्य सचिव का यह काम होगा, किसका, भारत का जो राज्य सचिव होगा यह आध्यात्मिक भौतिक और नैतिक, कैसा कैसा, आध्यात्मिक भौतिक और नैतिक, यह भारत को आध्यात्मिक भौतिक और नैतिक विकास की रिपोर्ट सौंपेगा, भेजेगा विदेश में ना, इंग्लैंड में, यहाँ के भारत के आध्यात्मिक भौतिक और नैतिक,
यहीं पे देखो भैया 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्यों का भैया ना, कितने सदस्यों का, यहाँ पे 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया जो इसको सहायता देने का कार्य करते थे। पढ़े लिखे लोगों ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। पढ़े लिखे लोगों ने क्या कहा, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। इस एक्ट को ना, इस एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस एक्ट को हम लोग एक्ट फॉर द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के लिए स्वर्णिम अधिनियम किस नाम से जाना जाता है बोलो। इस एक्ट को हम लोग एक्ट फॉर द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के लिए स्वर्णिम अधिनियम के नाम से जाना जाता है। समझ में आया सभी बच्चों को। चलो इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे आएंगे हम तुरंत आगे बढ़ेंगे 1861 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम बोल नहीं रहे हो यार, 1861 का, ठीक है कंसंट्रेट। पहला है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का बोल नहीं रहे हो, परिषद का विस्तार हुआ। इतनी बात समझ में आया ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, ठीक 1861। अभी तक जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। दूसरा कह रहा है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ, किसका प्रारंभ बोले भैया, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ। अभी तक इससे पहले गवर्नर जनरल ही सारा नियम कानून देखता था, समझना, इससे पहले कौन नियम कानून देखता था बोलो, इससे पहले गवर्नर जनरल ही सारा नियम कानून देखता था, लेकिन अब क्या होगा, रक्षा विभाग, सुरक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तरह तरह के जो विभाग बनेंगे, वही कर रहा है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ। किसका प्रारंभ किया गया बोलो सभी बच्चे, वही बता रहा है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। तीसरा, तुरंत आ जाएंगे हम लोग आगे ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, किसकी शक्ति भैया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विधान परिषद के द्वारा चाहे जो नियम कानून बनाया जाए, किसके द्वारा, विधान परिषद के द्वारा चाहे जो नियम कानून बनाया जाए, लेकिन लास्ट डिसीजन की पावर किसके पास होगी बोल नहीं रहे हो, गवर्नर जनरल के पास, चाहे जिसके द्वारा जो नियम कानून बनाना है लेकिन लास्ट पावर उसके पास होगी। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यहीं पे देखोगे ना, यहीं पे देखोगे वॉइस आ जाएगी, आवाज तुरंत आ जाएगी, ठीक है टेंशन ना लीजिए, अब आवाज आएगी, परेशान ना होइए, अगर यहाँ पे कुछ भी होगा ठीक है परेशान ना होइएगा, जनरेटर है सारी चीजें हैं ठीक है, तो एक मिनट बस लगेगा, आने वाले समय में इसको भी हम लोग सही कर लेंगे। अभी देख रहे हैं दिन दोना रात चौगुना वृद्धि हो रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं है, मजा आया। चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बंगाल बिहार और उत्तरी पश्चिमी सीमा, बोलो यार, यस सर, नहीं बंगाल, बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा पंजाब, बोलो सभी ना, यहाँ पे किसका गठन किया गया बोलो, विधान परिषद का गठन किया गया।
अब 1861 के बाद जैसे ही हम लोग आगे आएंगे कहाँ पे आ जाएंगे, 1800 पहला पॉइंट है, आराम से सुनिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किसका शुरुआत हुआ, बोल नहीं रहे यार ना, 1892 का। यह कहता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इतनी बात समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल। अब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, देखो यार मैंने पहले भी बचा समझाया है इन सारी चीजों को, हम लोगों ने पहले भी बहुत अच्छे से समझाया है। अभी भी जान लो कि चुनाव दो तरीके का होता है, ठीक है। चुनाव कितने तरीके का होता है बोलो, एक को कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है, एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एक अप्रत्यक्ष। तो वही कह रहा है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, जब डायरेक्ट ना, जब डायरेक्ट किसको चुनता है, जब डायरेक्ट जनता सरकार को चुनेगी, समझ रहे हो, जब डायरेक्ट किसको चुनेगी, कौन, तो उसे क्या कहेंगे, पीछे बोल नहीं रहे हो, प्रत्यक्ष। जब जनता किसी को डायरेक्ट चुनती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, और जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि किसी को चुनते हैं तो उसे, हाँ, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है ना। वही तो पहला अप्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा प्रत्यक्ष। तो यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी यहाँ पे जो चुनाव होता था उसमें सब लोग भाग नहीं लेते थे, जो अंग्रेजों के चमचे होते थे ना, जो अंग्रेजों के चमचे होते थे वही, जैसे जो लोग उसको टैक्स देते थे, जागीरदार हो जमींदार हो, ये लोग होते थे, समझ में आ रहा है। चलो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। दूसरा यहीं पे बताता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से, किससे यार, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से पहली बार ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से पहली बार बजट के प्रश्न पर, किस प्रश्न पर, बोलो भैया, बजट के प्रश्न पर वाद विवाद करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, ठीक। चलो आगे आ जाओ। अब इसके बाद हम अगले पे आएंगे जिसे कहा जाता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ना, मार्ले मिंटो सुधार सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है ना, अधिनियम। चलो तो अब हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, कौन सा नियम हम लोग देखने वाले हैं, सभी बच्चे बोलेंगे मार्ले कौन था, हाँ, और मिंटो, वेरी गुड, मार्ले था भारत राज्य, भारत राज्य सचिव, और मिंटो था वायस। ये दोनों उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, या भारत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। पहली बार, पहली ना, पहली बार मुसलमानों के लिए, किसके लिए, पहली बार मुसलमानों के लिए ना, पहली बार मुसलमानों के लिए, पहली बार मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व ना, अलग अलग प्रतिनिधित्व, पहली बार नेतृत्व की व्यवस्था की गई। इतनी बात समझ में आया, बोलो, पहली बार मुसलमान बताए थे, एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत किसी को। दूसरा यहाँ पे बताता है कि पहली बार भारत भारत राज्य सचिव एवं गवर्नर जनरल, एवं गवर्नर जनरल ना, समझना एकदम, पहली बार भारत राज्य सचिव एवं गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार भारतीयों को क्या किया गया, बोल नहीं रहो, किसको, कहाँ,
हाँ, भारत राज्य सचिव और गवर्नर जनरल की, पीछे वालों समझ में आया बोलो यार, भारत राज्य सचिव एवं गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार भारतीयों को नियुक्त किया गया, ठीक है। अच्छा हाँ, यहीं पे बनेगा केंद्रीय केंद्रीय राज्य परिषद, केंद्रीय राज्य परिषद एवं केंद्रीय ना केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्र, हाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा केंद्रीय राज्य परिषद और प्रांतीय, केंद्रीय राज्य परिषद एवं प्रांतीय विधान, केंद्रीय एवं प्रांतीय, हाँ केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय एवं प्रांतीय, हाँ प्रांतीय विधान परिषद, सभी बच्चे गौर करेंगे ना, चलो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद से पहली बार बजट के प्रश्न पर, कैसे भैया, बजट के प्रश्न पे वाद विवाद करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो 1909 में हम लोगों ने देखा इसी को, 1909 को ही, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 1909 का जो हमारा अधिनियम है, 1909 के अधिनियम को हम कहते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन, ना बोलो सभी, भारत और भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का, बंटवारे का इसी में पड़ा होता है। इतनी बात समझ में आया, बोलो यार। चलिए अब इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे 1919 का अधिनियम, कौन सा अधिनियम, बोलो सभी बच्चे। तो जैसे ही हम लोग आएंगे 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार योजना, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार योजना के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ गए, बोलो सभी बच्चे, किस नाम से जानोगे, पीछे, चलो वेरी गुड। पहला है यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट बताता है केंद्र में द्विसदनात्मक, केंद्र में द्विसदनात्मक ना भैया, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को बनाया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, पहला था केंद्रीय राज्य परिषद, पहला क्या था, पहला था केंद्रीय राज्य परिषद और दूसरा है केंद्रीय विधान सभा, पहला है केंद्रीय राज्य परिषद, दूसरा है केंद्रीय विधान। अगर केंद्रीय राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 जिसमें से 34 निर्वाचित, ना भैया कितना भैया, 60 जिसमें से 34, 26 केंद्रीय विधानसभा, 145, 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत, ठीक है। चलो यहाँ कहता है केंद्रीय राज्य परिषद जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 60 जिसमें से 34, तेज बोलो सभी बच्चे, 26 और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 104, 41 मनोनीत, हो गया। अब इसके बाद जैसे ये वाला पहला हो गया, समझे कि नहीं, पहला पॉइंट क्या था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, पहला पॉइंट क्या था, बोलो सभी बच्चे, पहली थी केंद्रीय राज्य सभा, दूसरा केंद्रीय, हाँ पहला केंद्रीय राज्य परिषद और दूसरा, हाँ बिल्कुल,
अब इसके बाद जैसे ही हम लोग ये हो गया केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गया, उसके बाद दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ बताया था प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में क्या था बोलो यार, द्वैत। इसमें हम लोगों ने विषय को दो भागों में बांटा था, पहला क्या था पहला था आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। न यार, पहला है आरक्षित विषय पे कौन नियम कानून बनाएगा, गवर्नर, और हस्तांतरित पे कौन बनाएगा, भारत में चुने हुए मंत्री ना, भारत में चुने हुए मंत्री। इतनी बात समझ में आया, बोल नहीं रहे यार। अब इसके बाद जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे, आरक्षित विषय हस्तांतरित विषय हो गया, इधर बात ना करो, आत्मा को परमात्मा में मिलन करा दूंगा, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सही कर रहे हैं कि गलत यार? जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ो, ये जरूरी नहीं है कि 60 साल के बाद ही मृत्यु आए, ये जरूरी है, कभी भी आ सकती है, मौत सुनिश्चित है, कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है कि नहीं? चलो, तो कहाँ पे थे, बोल नहीं रहो, चलो सभी बच्चे ठीक। हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे थे, 1919, अच्छा हाँ 1900, ये चल रहा था ना 1919 का। चलो चलिए, हाँ आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे आएंगे, हाँ अभी मैंने पूछा प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कौन था, लियोनस, 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 वेरी गुड। पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला ना, पहली बार 1919 का अधिनियम चल रहा है ना, लियोनस कार्टियस प्रांतों में द्वैत शासन का जनक था, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कौन था, महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। अगला पॉइंट, भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव को यह पावर दी गई कि वह लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, लोक सेवा, लोक सेवा आयोग और महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है ना, यही इतना था। चलो अब इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है, तो अब हम आएंगे 1935 का, कहाँ पे आ जाएंगे, चलो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, कहाँ पे आते हैं भाई, 1935 का अब हम लोग अधिनियम देखेंगे। इसमें 321 धाराएं, 321, 10 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 10 परिशिष्ट और 14 भाग थे। इतनी बात समझ में आया, कितना भाग था, बोल नहीं रहो, इतनी बात समझ गए, कौन सा नियम देख रहे हैं हम लोग, 1900। जैसे ही आप लोग 1935 के अधिनियम की तरफ आओगे तो 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं, कितनी धाराएं, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, 10 परिशिष्ट और 14, वेरी गुड। धारा, धारा देखो यार, 1935 का अधिनियम ये लास्ट अधिनियम है, ये क्या है, 1935 का अधिनियम भारत में आया हुआ लास्ट अधिनियम है, और इसी के साथ इसका आधे से ज्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें घोषणा कर दी गई थी कि भारत को अब आगे कभी भी आजादी दे दी जाएगी। इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, 10 परिशिष्ट और 14 भाग थे। धारा का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या जिसपे कुछ लिखा हो ना, बात समझे।
अब यहाँ पे हम लोग 321 धाराओं का मतलब ये होता था, 321 जैसे आप सुनते होगा ना, 302 लगा इसका मतलब हत्या हुआ है, इतना छोटा मोटा जानते हो कि नहीं जानते हो, 302 लगा तो हत्या ना। उसके बाद ए भोले आँख खोलो प्रभु, है कि नहीं, अखिए बंद कर ले रहे हो हिमालय पे बैठ के, हाँ माहौल बना रहे हो, अकेले अकेले देख रहे हो लड़के को, बस करो। सुनो कहाँ पे थे, उसको क्या कहा जाता है, धारा। अनुसूचियों का मतलब होता है जिसमें जल्दी जल्दी संशोधन होता है, उसे क्या कहा जाता है, अनुसूचियां। और परिशिष्ट का मतलब होता है जिसमें कुछ लिखा जाना बाकी हो, उसे क्या कहा जाता है, परिशिष्ट। समझ गए, 321, 10, 10 और 14 किसमें, 1900, इतना हो गया ना। पहला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ की स्थापना, समझना यार, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। अंग्रेजों ने फिर एक बार छलावा छला और भारतीयों को कहा कि हम तुमको आजादी दे देंगे, बेवकूफ बनाया हिंदी में, समझ रहे ना, हिंदी में क्या बनाया, किसको भारतीयों को, तो वही करा है। अंग्रेजों ने कहा कि हम बनाएंगे अखिल भारतीय शुरुआत, इतनी बात समझे। इसमें कहता है कि इसमें जो है अखिल भारतीय संघ की बात की गई, इसमें कहा गया 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी, 6 चीफ कमिश्नरी ना, कमिश्नरी, ठीक है, आराम से समझो सभी बच्चे। पहला पॉइंट 1935 के अधिनियम का महत्वपूर्ण पहला पॉइंट क्या कहता है, यह कहता है कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 कैसे प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी, कौन सी कमिश्नरी, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतों को मिलाकर अंग्रेजों ने कहा था कि हम बनाएंगे अखिल भारतीय, क्या बनाएंगे, लेकिन कोई भी देशी रियासत इसमें शामिल नहीं हुई और अखिल भारतीय राज्य बनाने का सपना सपना रह गया। ब्रिटिश प्रांत का मतलब था कि भारत देश के अंदर, किसके अंदर, जहां पे अंग्रेजों का, उसे क्या कहा गया, हाँ, जहां पे अंग्रेजों का शासन था क्या कहलाया। और 6 चीफ कमिश्नरियों का मतलब होता है जिसके जनसंख्या 10 लाख से, जिसकी जनसंख्या, उसे क्या कहा जाता है, हाँ, उसे 6 चीफ कमिश्नरी कहा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। दूसरा यहीं पे बताता है ना, यहाँ पे देखो अंग्रेजों ने कहा कि जो बचे खुचे भारतीय हैं वो भी आके मिल जाओ, लेकिन कोई भी आके मिला नहीं, समझ गए ना, कोई भी आके मिला नहीं। दूसरा कहता है कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू थी, प्रांतों में कौन सी व्यवस्था लागू थी, बोले सभी बच्चे, जो प्रांतों में लागू द्वैत शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, जो आपके प्रांतों में, कहाँ भैया, जो प्रांतों में लागू द्वैत शासन प्रणाली थी, प्रांतों में लागू ना, जो प्रांतों में लागू द्वैत शासन प्रणाली थी उसको अंत किया गया। और वही अब कहाँ लागू होगा, बोलिए, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया ना, द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया। यहीं पे आप देखोगे यहाँ ना, फेडरल कोर्ट बना, कौन सा, फेडरल कोर्ट बना, जो जिसको हम संघीय न्यायालय के नाम से जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम संघीय न्यायालय के नाम से जानते हैं ना, इसमें प्रस्तावना का अभाव था, किसका अभाव था, बोल नहीं रहे हो,
जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को बताए हैं ना कई बार, तो यहाँ पे इस तरह की कोई प्रस्तावना नहीं थी। और यहीं पे भारत परिषद का अंत हुआ। किसका अंत हुआ? बोले यार ना, भारत परिषद का अंत हुआ। और यहीं वर्मा को इसी के द्वारा अलग किया गया। वर्मा को भारत देश से अलग, भारत देश से अलग कौन हुआ? वर्मा हुआ, ठीक है। और यहीं पे देखोगे सांप्रदायिक, क्या भैया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। चलो, तो आज हमने पूरा आप लोगों का अधिनियम जितना था एकदम क्या किया, खत्म कर दिया। और YouTube पे केसेस बतियाया भी नहीं है कि नहीं, तो ठीक है, जितना था रिकॉल हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन देख रहे थे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास थी। अगर आप लोग इस तरह की सारी क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर से जरूर तुरंत इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए जितने भी लोग हैं। और आप सभी बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पे थे, सुनिए ना, आप जरूर भी इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए, इतना मेहनत किया गया है। चलिए।